इकोसिस्टम तक कर लिया, अब क्या करना है, इकोलॉजिकल नीच, ठीक है, ये वाला कंसेप्ट। इकोलॉजिकल नीच क्या होता है? इकोलॉजिकल नीच देखो, अंकिता की बात अगर जैसे करें, अंकिता शादी से पहले अपने हस्बैंड की गर्लफ्रेंड है, मान लो शादी के बाद वो एक पत्नी है, वो एक बहू है, आने वाले टाइम पे वो एक माँ बनेगी, वो किसी की बेटी है, किसी की बहन है, और जिस जगह पर वो काम करती है वहां पर कोई वो मैनेजर है, मेरी स्टूडेंट है। एक शरीर कितने सारे रोल निभा रहा है उसके, है ना? हम भी ऐसे ही है ना भाई, किसी के, हम में से बहुत सारे लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, किसी के हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, दोस्त यार हो सकते हैं, स्टूडेंट टीचर हो सकते हैं, हम बहुत सारे रोल निभाते हैं, ठीक है? यही है नीश और कुछ नहीं है। नीश का मतलब ये होता है जब किसी एक हैबिटेट या एक इकोसिस्टम में, जब किसी एक हैबिटेट या इकोसिस्टम के अंदर कोई भी स्पीशीज, एक स्पीशी या नंबर ऑफ स्पीशीज अपना यूनिक और फंक्शनल रोल और पोजीशन एंजॉय कर रहा हो या निभा रहा हो, उसको हम लोग कहते हैं नीश। समझ में आया? फिर से बताता हूं, जब किसी एक हैबिटेट या इकोसिस्टम के अंदर जो स्पीशीज हैं वो अपना यूनिक फंक्शनल रोल और पोजीशन जो ऑक्यूपाई करके बैठे हुए हैं किसी हैबिटेट और इकोसिस्टम के अंदर, वो स्पीशी या नंबर ऑफ स्पीशीज, वो है उनका नीश। यानी कि अंकिता जो भी बीइंग अ वाइफ, सिस्टर, गर्लफ्रेंड, स्टूडेंट, मैनेजर, कुछ भी रोल वो निभा रही है, डॉटर इन लॉ, वो सारे के सारे उसका नीश है। वो नीश हमारे नीश से अलग हो सकता है, बिकॉज अब प्रिया की बात करें या दिजोत की बात करें, वो तो नहीं है डॉटर इन लॉ किसी के, ये चीज है। हम में से कोई हस्बैंड तो नहीं है किसी का, वो वाली बात है। नीश का कंसेप्ट समझ में आया इसे? बताओ जरा, कुछ मुश्किल वाली बात नहीं है इसके अंदर। हर स्पीशीज जो अपना रोल निभा रहा है, जो पोजीशन ऑक्यूपाई करके बैठा है हैबिटेट और इकोसिस्टम के अंदर, वो नीश। यानी कि नीश को हम कैसे कह सकते हैं, जिस जगह पर वो स्पीशी रह रहा है वो उसका घर, जैसे कि अंकिता अपने घर में रह रही है, लेकिन एक घर के अंदर अगर सासू माँ आवाज मारे तो वो बहू का रोल निभाती जाएगी, हस्बैंड आवाज मारे तो वो वाइफ का रोल निभाती जाएगी, भाई आया हुआ है घर पे, बहन आई हुई है तो वो बहन का रोल निभा रही है, छोटा बच्चा रो रहा है तो वो माँ का रोल निभा रही है, मेरा मैसेज गया तो वो स्टूडेंट का रोल निभा रही है। ये क्या है? फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स है अंकिता बींग अ स्पीशीज की, उसके हैबिटेट यानी कि उसके घर में, और ये उसका नीश है। बड़ी सारी स्पीशीज जिस हैबिटेट में रहती है कॉमनली, तो वो अपने कॉमन हैबिटेट में उनका वो एक कॉमन नीश होता है। यानी कि अगर अंकिता को घर की लाइमलाइट से हटा दें, हम लोग रोल से हटा दें, और फिर बात करें उसके फादर इन लॉ की, तो फादर इन लॉ वो किसी के हस्बैंड है, उनका बेटा है, उनकी बहू है, उनके पोते हैं, उनकी पोतियां हैं, और घर पे कुछ उनके जो अंकिता की घर वाले जो आएंगे वो इनकी समधी हैं, रिश्तेदार हैं। यानी कि हर स्पीशी कोई ना कोई रोल निभा रहा होता है। इसमें कोई दिक्कत है मुझे पहले ये बता दो। मयूर, आप बहुत अच्छा आपने डाउट पूछा कि जो भी ऑर्गेनिज्म अपने अपने हैबिटेट में रह रहा है, हर किसी का एक फंक्शनल रोल है। बिल्कुल, आप में से कोई जो मेरा लेक्चर अटेंड कर रहे हो, मेरी क्लासेस ले रहे हो, आप में से कोई पीजी में रह रहा है? कोई पीजी में या रूम लेकर रह रहा है कहीं पर, दूसरे स्टेट या दूसरे जगह पर है? कौन? प्रिया, आप रह रहे हो, ठीक है? घर पे जिस प्रकार से बिहेव करते हो वैसे पीजी में तो नहीं कर सकते ना, है ना? मतलब पीजी में ज्यादा जंगली होगे, घर पे इतने जंगली नहीं होते होगे। पॉइंट ये है,
या यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड रहना पड़ता होगा, घर पे इतना नहीं रहना पड़ता होगा, है ना। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, अपना एक फंक्शनल रोल कैटासिक्स निभा रहे हो, ठीक है। उसके बाद इन नेचर बड़े सारे स्पीशीज कभी कभार सेम हैबिटेट को ऑक्यूपाई करते हैं, ये वाली बात याद है। अलंकृता जिस दिन आई थी हमारे लेक्चर के अंदर, उसने बिल्लियां दिखाई थी अपनी, सेम हैबिटेट ऑक्यूपाई कर रही थी ना, है ना। तो अब दो लोग रह रहे हैं मतलब एक घर में, तो वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे अब अलंकृता अपनी बिल्ली के साथ, या आप मान लो कि आपके पास कोई भी पेट होगा, कुछ भी होगा, आप ऐसा मान लो कि अगर आप किसी के साथ एक कॉमन हैबिटेट शेयर कर रहे हो, ऐसा भी मान सकते हो कि आप किसी के साथ रूम शेयर कर रहे हो। प्रिया कोई रूम पार्टनर होगी आपकी पक्का, है है, ठीक है। और रूम पे कभी कभार कुछ ना कुछ चूहा, या फिर बालकनी में कोई चिड़िया वगैरह, ये सब भी आती ही होंगी हर हर किसी के, चाहे कोई पीजी में रह रहा चाहे नहीं रह रहा, है ना। इसका मतलब ऐसा मान लो कि आपने कोई कुत्ता बिल्ली पाला हुआ है, या फिर कोई रूममेट है, रूममेट पाला हुआ है, ऐसा मान लो, ठीक है। बड़ी सारी स्पीशीज एक सेम हैबिटेट ऑक्यूपाई कर सकते हैं, बट दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, बट दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, ठीक है। जैसे हैबिटेट नीच, जब अंकिता या प्रिया हैबिटेट नीच का परफॉर्म फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो अगर मैं एनवायरमेंट की लैंग्वेज में बोलूं तो भैया वो क्या कर रहे हैं। हैबिटेट नीच से मेरा ये मतलब है अंकिता और प्रिया किसी एक जमीन के टुकड़े पर रह रहे हैं, पृथ्वी पर। वो कहीं ना कहीं अपना खाना बनाते हैं या कहीं से इंतजाम करते हैं, तो वो जो भी कुछ खाते हैं, जो भी खाया हुआ जो बच जाता है वो फेंक देते हैं, या सामने वाले पार्क के अंदर गाड़ आते हैं, या फिर अपने सर्वाइवल के लिए वो दूसरी स्पीशीज से कम्पीट कर रहे हैं। आप लोगों के कंटेक्स्ट में वो बोलूं तो प्रिया अपनी रूममेट के कंपैरिजन में ज्यादा रैंक लाना चाहती है, अंकिता इतना पढ़ना चाहती है जितने उसके खानदान ससुराल में आज तक कोई ना पढ़ा। व्हाट यू आर डूइंग एवरी सेकेंड एंड एवरी मिनट एंड एवरी डे ऑफ योर लाइफ, यू आर कम्पीटिंग विद अदर्स, है ना। दैट मीन्स योर सर्वाइवल के बेसिक एलिमेंट, मैं रिपीट कर रहा हूं, तुम्हारे सर्वाइवल के बेसिक एलिमेंट आर पार्ट ऑफ योर हैबिटेट नीश। ये पहली तरीके का नीश होता है। दूसरा, रिप्रोडक्टिव नीश, हाउ एंड व्हेन एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है। अंकिता के हस्बैंड ने उससे बोला पहले आईएएस बनो फिर बच्चा करेंगे, दैट इज रिप्रोडक्टिव नीश। अब अनु है जैसे हमारे लेक्चर के अंदर, हो सकता है, मतलब मुझे नहीं पता, मेरे ख्याल से होगा उनका बेबी, तो बच्चा पैदा करने के बाद शीज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। अनुकुमारी जो रैंक टू थी उनके भी बेटा था, शी वॉज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। दैट इज यू नो कि जिस भी एनवायरमेंट में आप रह रहे हो, आपका फंक्शनल रोल क्या हो गया, यू आर रिप्रोड्यूसिंग एंड आप बन गए माँ। लड़का या लड़की कोई भी प्रोड्यूस हो रहे तो आप माँ बन गए, रिप्रोडक्टिव नीश, ठीक है। फिजिकल और केमिकल नीश क्या होता है, आपका अगर थर्ड फ्लोर है या ग्राउंड फ्लोर है तो बहुत सारी चीजें डिपेंड करेंगी आपके घर पे। टेम्परेचर, आप भरे भरे इलाके में मेन रोड पे रह रहे हो जहां पर दिन भर शोर शराबा रहता है, या फिर आप गांव में आके रह रहे हो, या आप किसी एक सोलो जगह पर जाके आपने एक पीजी ले लिया, तो लैंडशेप, लैंड स्लोप, पहाड़ी इलाके में रह रहे हो, नदी के पास रह रहे हो, खेतों के पास रह रहे हो, या दिल्ली जैसी जगह में मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रह रहे हो। ह्यूमिडिटी, अंकिता नोज वेरी वेल, मुंबई में अंकिता गर्मी नहीं होती लेकिन ह्यूमिडिटी निचोड़ के रख देती है। जितना पानी मरीन ड्राइव के आसपास के समुद्र में है उतना ही बॉडी से निकलता है ना। और कुछ और भी रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं, ठीक है। नीश एक एसेंशियल रोल प्ले करता है ऑर्गेनिजम्स के कंजर्वेशन में, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स के कंजर्वेशन में। जैसे घर पे हम लोगों का रहना और हम लोगों को खाना मिलना, कंजर्वेशन हो रहा है हमारा क्या नहीं हो रहा, भैया खाना तो चाहिए ना डेली, वरना मेरा मन कैसे लगेगा पढ़ाई में इतना कुछ कंटेंट याद करना है। मैं जो खा रहा हूँ, जिस जगह पर मैं रह रहा हूँ, इस रूम में अगर पढ़ाते हुए लाइट ना हो तो मैं शायद से हो सकता है इतना 100% आउटपुट ना दे पाऊँ, या फिर अगर इस टाइम पर जब मैं क्लास ले रहा हूँ, मैं जून की तपती दोपहर में अपने छत पे बैठ के पढ़ा रहा हूँ, तो हो सकता है मेरी प्रोडक्टिविटी उतनी निकले ना, मैं जल्दी भागने का सोचूं कि लेक्चर वाइंड अप करो,
लेकिन यही अगर बारिश चल रही है, मेरा मूड का आलम बना हुआ है और चल रहे हैं वही लेक्चर्स, और लेते हैं क्लास, और लेते हैं क्लास, क्योंकि आज मैं खुश हूँ, मौसम ठंडा है और दिमाग भी ठंडा है। तो नीश प्लेज एन इम्पॉर्टेंट एंड एसेंशियल रोल इन द कंजर्वेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इफ वी हैव टू कंजर्व स्पीशीज इन देयर नेटिव हैबिटेट, मतलब मूल रूप से जहां पर वो निवासी है, अगर हमें वहां पर कंजर्व करना है किसी स्पीशीज को, तो हमें ये पता होना चाहिए कि नीश रिक्वायरमेंट्स क्या है उस स्पीशीज की। अंकिता का हस्बैंड अगर उसे बहुत अच्छे से रखना चाहता है कि बेबी जैसा हमारा रिलेशन शादी के पहले चलता था, तुम्हें वो सारी खुशियां मैं दे पा रहा हूँ कि नहीं दे पा रहा हूँ, तो अंकिता बोलती है शादी के पहले या तो आप यार कॉर्नेटो खिलाने ले जाते थे रोज रात को आइसक्रीम, अब तो आप बोरिंग हो गए हो। इसका मतलब उसे ध्यान में आया, अच्छा मैं रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर रहा, अब कल से वो वनीला आइसक्रीम, केसर पिस्ता और उसकी ब्रिक लाना शुरू करेगा कि अंकिता को आइसक्रीम ठुसवानी है, वरना पता चला वो गाना गाने लग जाए, मैं किसी और की हूँ फिलहाल। आप ये कह रहे हो मयूर कि ये वाली जो लाइन है कि एक नीश बहुत इंपॉर्टेंट एसेंशियल रोल प्ले करता है ऑर्गेनिज्म के कंजर्वेशन में, कैसे? यही है इसकी एक्सप्लेनेशन। यानी कि नीश के अंदर क्या था, एक फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स थी आपकी, रोल था जो कि आपको निभाना था, जिस आप कॉमन हैबिटेट में रह रहे थे उसके अकॉर्डिंग आप अपनी कंजर्वेशन और दूसरों की कंजर्वेशन कर पाओगे। यानी कि यार अब वही वाली बात है कि प्रिया के पापा जो हैं उसे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं पढ़ाई लिखाई के लिए कि तू शादी कर ले शादी कर ले शादी कर ले, पढ़ाई तो लगी रहती है उसके घर पे, मतलब मान लो ऐसा माहौल नहीं है पढ़ने का। अब वो पढ़ना चाहती है, उसने आर्गुमेंट करी, उठाई इसके पापा ने बेल्ट और निचोड़ के रख दिया इसको, ठीक है कि बहुत हो गया बेटा तेरा ड्रामा। यहां पर पॉइंट क्या है कि अगर वो ठीक नहीं है ना, प्रिया की साइकोलॉजी ठीक नहीं है, तो उसकी प्रिपरेशन भी ठीक नहीं हो सकती है। अंकिता को अगर घर पे प्यार नहीं मिल रहा सास ससुर से और हस्बैंड से, तो पॉइंट ये है कि खुद की कंजर्वेशन तो चलो भूल ही जाओ कि वो अपने आप पे ध्यान दे रही नहीं दे रही, वो पता चला कल के मुंह पे, कल को सबके मुंह पे तकिया रखकर बैठ गई, या फिर उसने कॉफी वॉफी में चाय में कुछ मिला दिया और फिर कह रही अब शांति से प्रिपरेशन होगी पूरे घर पे। डिफरेंस क्या होता है नीश और हैबिटेट में, क्योंकि अभी हमने ऊपर पढ़ा भैया कि अंकिता जिस अपने नेटिव हैबिटेट में यहां पर रह रही है, दिस इज वेयर अंकिता इज लोकेटेड, भैया खुश तो रखना ही पड़ेगा ना, नीश की रिक्वायरमेंट्स उसकी फुलफिल होनी चाहिए, तभी उसकी कंजर्वेशन होगी और घर वालों की कंजर्वेशन इंश्योर होगी, वो भी अच्छे से रह पाएंगे अगर अंकिता खुश है तो, वरना फिर पता नहीं कौन से रूप देख लेंगे उसका। तो हैबिटेट जो होता है एक स्पीशीज का, वो क्या होता है, इट इज जस्ट लाइक, जैसा कि हमने प्रीवियस पहले चैप्टर में पढ़ा था लेक्चर्स में, इट इज जस्ट लाइक एन एड्रेस जहां पर एक ऑर्गेनिज्म रहता है। वेयर एज नीश को हम लोग कैसे बोल सकते हैं, नीश कैन बी थॉट ऑफ इट्स लाइफस्टाइल एंड प्रोफेशन। यानी कि इसका एग्जांपल ऐसा ले लेते हैं कि मैं प्रतिष्ठा के घर पर गया, प्रतिष्ठान प्रतिष्ठा ने अपने एड्रेस बताया, मैं यहां यहां रहती हूं, मैं उसके घर पे गया, प्रतिष्ठान के मैं घर पे गया तो उसने बोला कि सर आप पहली बार आए हैं, मैं आपको कुछ बढ़िया बनाकर खिलाती हूँ। उसने भाई पाव भाजी छोले भटूरे केक पेस्ट्री वगैरह, मैंने कहा इतना कुछ ऑर्डर करवाने की क्या जरूरत थी, तो वो मुझसे कहती है कि ऑर्डर नहीं करवाया, सुबह से लगी हुई हूँ बनाने के लिए क्योंकि आप आने वाले थे। मैं कहा इतना कुछ तुम्हें आता है, कहती हाँ ये मेरी हॉबी है और ये मैं जो कुकिंग क्लासेस है बड़े टाइम से करी थी मैंने, कॉलेज वगैरह के टाइम पे स्कूल वगैरह के टाइम पे, तो मुझे अच्छा लगता है जब मैं खाली बैठी रहती हूँ, तो आई एम अ बिग फूडी, तो मैं ये सब ये बना लेती हूँ। ऐसे ही मैं मान लो कि दिवजोत के पास गया, अब दिवजोत के जब जैसे ही मैं रूम पे घुसा तो मुझे दिख रहा है कि बड़े सारे स्टैंड्स पे ना कुछ ड्रेसेस लटकी हुई हैं, बहुत अच्छी अच्छी डिजाइनर ड्रेसेस। तो मैं कहा दिवजोत ये क्या, तो कहती कि यार मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन के साथ साथ ना फैशन डिजाइनिंग भी करती हूँ मैं, और ये काइंड ऑफ मेरा फैशन बुटीक है जहाँ से मैं अपनी ड्रेसेस ये डिजाइन कर करके सेल करती हूँ। क्या पता लग रहा है मेरे को उनके घर पे जाके, एड्रेस तो इन्होंने दिया था उन्होंने अपना, इनके रूम पे घुसते ही मुझे क्या पता लगा कि इनका लाइफस्टाइल और प्रोफेशन क्या है, दैट इज एक्टिविटीज एंड रिस्पॉन्सेज स्पेसिफिक टू द स्पीशीज। प्रतिष्ठा खाना बनाने में माहिर थी, फैशनेबल ड्रेसेस नहीं बनाती है, लेकिन दिवजोत खाना नहीं बना सकती लेकिन फैशनेबल ड्रेसेस बना सकती है। एक्टिविटी और रिस्पॉन्सेज स्पेसिफिक हैं दोनों की, जो प्रतिष्ठा कर पा रही है वो दिवजोत, जो दिवजोत कर पा रही है वो प्रतिष्ठा। ये तो हो गया हैबिटेट। नाउ व्हाट इज नीश, और मतलब हैबिटेट और नीश मैंने तो बेसिक तो ऊपर बता दिया, ये वाला नीश क्या है और बात जानते हैं नीश के बारे में।
और समझाता हूँ जो मैं कहना चाह रहा हूँ. नीश इज यूनिक फॉर अ स्पीशीज व्हाइल मेनी स्पीशीज शेयर द हैबिटेट. हैबिटेट तो हो सकता है वो बड़े सारे लोग शेयर कर रहे हो, लेकिन नीश ना एक यूनिक होता है सबके लिए. जैसे इस टाइम पर मैं अगर अपने घर के पीछे देखूं तो लाइट ऑलमोस्ट बंद होना घर की शुरू हो गई है. आप लोगों के भी घर पे रूम पे मतलब शुरू हो गई होंगी लाइट बंद होना, कि सोने का टाइम सबका हो गया. मेरे पिताजी मुझे कहते हैं पागलों की तरह पता नहीं कहाँ माइक पे बोलता रहता है, क्या पढ़ाता रहता है, इस रात को पता नहीं कौन ही जाग रहा होगा, हमें तो यही पता नहीं लगता कि पढ़ा भी रहा है कि खुद से बातें कर रहा है, डिप्रेशन में तो नहीं चला गया. मान लो इसका मतलब क्या है, मेरे घर वाले ये एक्टिविटी नहीं करते हैं यूट्यूब पे पढ़ाना या फिर यूपीएससी की कोचिंग देना ऑनलाइन ऐसे माइक वाइक लगाकर लैपटॉप का सेटअप लगाकर, वो उनके लिए नॉर्मल चीज़ नहीं है. मैं जो कर रहा हूँ वो उनके लिए अबनॉर्मल चीज़ है. यानी कि एक हैबिटेट में मेरे मम्मी पापा दो भाई और मैं रह रहा हूँ, लेकिन सबके लिए नीश एक यूनिक है. मेरे लिए क्या है, जब सब लोग अपना बैठ के आराम से खाना वाना खा रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, कपिल शर्मा शो देख रहे हैं, मैं इस टाइम पे क्या कर रहा हूँ, मैं इस टाइम पे PMFIS एनवायरमेंट की बुक पढ़ा रहा हूँ, फाउंडेशन कोर्स पढ़ा रहा हूँ. दो कभी भी नो टू स्पीशीज इन अ हैबिटेट कैन हैव द सेम नीश. अगर दो स्पीशीज हैं एक हैबिटेट के अंदर तो उनका सेम नीश नहीं हो सकता. यानी कि सांप का प्रोफेशन कुछ और है टाइगर के प्रोफेशन से. एक छोटी सी मैना या बुलबुल एक पिकॉक से बहुत अलग भिन्न हरकतें करती है. रैबिट उड़ नहीं सकता लेकिन एक कबूतर उड़ सकता है, ये उसका प्रोफेशन है. रैबिट कभी घोंसले में नहीं रहेगा पेड़ के ऊपर आके चढ़कर. लेपर्ड पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है लेकिन फिर भी वो घोंसले में या रात को टहनी पे नहीं सोएगा, लेकिन चिड़िया कभी भी जमीन पे नहीं सोएगी, उसको डर रहेगा बिल्ली वगैरह ना खा जाए वो ना खा जाए. बिल्ली पेड़ पे चढ़ सकती है लेकिन उसकी औकात बहुत ऊपर तक आने की नहीं है. अगर ऐसा होता तो सारी चिड़ी खत्म हो गई होती बर्ड से, रात को सब बिल्लियां खा गई होती सारे नेस्ट से बर्ड निकाल निकाल कर. दिस इज बिकॉज कॉम्पिटिशन विद वन अनदर अंटिल वन इज डिस्प्लेस्ड. दो स्पीशीज का एक हैबिटेट में सेम नीश इसलिए नहीं हो सकता बिकॉज सबके बीच में कॉम्पिटिशन चल रहा होता है और एक स्पीशी दूसरे स्पीशी को डिस्प्लेस करने की कोशिश करता है. इट इज जस्ट लाइक हर कुत्ते का एक इलाका होता है, दूसरा कुत्ता अगर वहां पर आ जाए 6-7 कुत्ते मिलकर उसको भगा देते हैं, वहां से उसके पीछे पड़ जाते हैं, कुत्ते कुत्ते को ही काटने लग जाता है, बिल्लियों बिल्लियों की लड़ाई हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल मैनी डिफरेंट स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट्स, वो हो सकता है वो एक सेम प्लांट में चिपके हो और उस प्लांट को खाने की कोशिश कर रहे हो, बट दे कैन को एग्जिस्ट एज दे फीड ऑन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट. एक साथ प्लांट में चिपके हुए हैं लेकिन कोई ऊपर वाला उसके फ्रूट को खा रहा है, कोई उसके शूट को स्टेम को खा रहा है और कोई उसके रूट तक घुसा हुआ है वो कीड़ा, कोई उसके साइड से कोई एक अंकुर सा फूट रहा है उस पर फीड कर रहा है. यानी कि हैबिटेट तो सब लोग सेम है लेकिन सबका प्रोफेशन अलग अलग है. सिर्फ एक ही जगह घुस के खाएंगे ऐसा तो नहीं होता है. एक पेड़ पे अगर चींटियों की लाइन चल रही होती है, कुछ इधर फीड कर रहे हैं, कुछ उधर फीड कर रहे हैं, कुछ यहाँ कुछ वहाँ. छोटे सा एग्जाम्पल दे देता हूँ, लास्ट एग्जाम्पल. किचन में अगर पेप्सी या रूह अफ़ज़ा या आइसक्रीम या हनी या कुछ भी ऐसी मीठी चीज मीठा पदार्थ आपने फैला दिया है, चींटे चींटियां वहां पर थोड़ी देर के बाद आ गए, वो एक ही जगह पर थोड़ी ना इकट्ठे हैं कि यही वाला वो पॉइंट है, इसी पे सारे के सारे इकट्ठे होते 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 ऐसा ये बनता चला जा रहा है, ऐसा तो नहीं होता. ये एक एरिया में फीड कर रहे हैं जहां पर चाशनी या कुछ मीठा गिरा हुआ है लेकिन उनका हैबिटेट सेम है, लेकिन सब लोग अलग अलग एरिया में फीड कर रहे हैं ना, ये चीज है.